गुड इवनिंग। देखो आज हम लोग चैप्टर टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो पिछले क्लास में जेनेटिक रिकम्बिनेशन टॉपिक को स्टार्ट किए थे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस। व्हाई? बिकॉज इन केस ऑफ बैक्टीरिया देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन, और जब गैमेट ही नहीं बन रहा है तो देयर इज नो चांस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो आज हम लोग चैप्टर टू ही पढ़ेंगे, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इसमें हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन में प्रीवियस क्लास में हमने जो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिया है वो है कंजुगेशन। ठीक है, कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा है? ये थ्री टाइप्स का होता है बेसिकली। एक है कंजुगेशन, सेकेंड इज ट्रांसफॉर्मेशन, एंड द थर्ड इज ट्रांसडक्शन। ओके, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड कंजुगेशन, सो इन टूडेज क्लास वी कंप्लीट। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर मेन फोकस इज ऑन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज द सेकेंड प्रोसेस या टाइप ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वॉट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो देखो इसका डेफिनेशन, इट इज द चेंज इन द इट इज द चेंज इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बैक्टीरियम, इट इज चेंज इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बैक्टीरियम बाय पीकिंग जीन्स, बाय पीकिंग जीन्स ऑफ इट्स डेड रिलेटिव्स। इट इज चेंज इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बैक्टीरियम बाय पीकिंग जीन ऑफ इट्स डेड रिलेटिव्स प्रेजेंट इन द आउटसाइड मीडियम, प्रेजेंट इन द आउटसाइड मीडियम। बोला जा रहा है कि जब एक बैक्टीरियम के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में यानी जेनेटिक मेकअप में चेंजेस आ रहा है, और वो चेंजेस क्यों आ रहा है? ये चेंजेस तब आ रहा है जब वो जीन को पिकअप कर रहा है अपने डेड रिलेटिव का, कहां से? आउटसाइड मीडियम से। ठीक है, एंड इंटीग्रेटिंग उस जीन को वो क्या कर रहा है? इंटीग्रेटिंग द सेम, इंटीग्रेटिंग द सेम इनटू इट्स न्यूक्लियोइड, इंटीग्रेटिंग द सेम इनटू इट्स न्यूक्लियोइड। ठीक है, और साथ ही साथ उस जीन को वो क्या कर रहा है? इंटीग्रेट कर रहा है द सेम इनटू इट्स न्यूक्लियोइड। ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो जब एक लिविंग बैक्टीरियम अपने डेड रिलेटिव के जीन को एक्सटर्नल मीडियम से पिकअप कर रहा है और अपने अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद अपने न्यूक्लियोइड के साथ उसको जोड़ ले रहा है, तो उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में यानी जेनेटिक मेकअप में चेंजेस आ रहा है, जिसके कारण उसके कैरेक्टर में भी चेंजेस आ रहा है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन।
Now, transformation was given by Frederick Griffith in 1928. Transformation was given by Frederick Griffith 1928. ये प्रिंसिपल कौन दिया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928. ठीक है. When he found that, when he means Frederick Griffith found that non-virulent, क्या बोले? Non-virulent. अब तुम लोग के दिमाग में होगा कि सर नॉन वायरुलेंट क्या है. ठीक है. तो नॉन वायरुलेंट का मतलब होता है नॉन डिजीज कॉजिंग, जो बीमारी कॉज नहीं करता है. ठीक है. व्हेन ही फाउंड दैट, फाउंड द नॉन वायरुलेंट लिविंग बैक्टीरिया, नॉन वायरुलेंट लिविंग बैक्टीरिया ऑफ न्यूमोकोकस, आगे जाके पढ़ेंगे इसका पूरा नाम, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया था, न्यूमोकोकस कुड बिकम वायरुलेंट. ठीक है. उन्होंने क्या पाया कि जो नॉन वायरुलेंट लिविंग बैक्टीरिया है वो वायरुलेंट हो जा रहा है. किस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया का? न्यूमोकोकस का. कब? बाय पिकिंग अप द जीन, बाय पिकिंग अप द ट्रेट. ठीक है. बाय पिकिंग अप द जीन या पिकिंग अप द ट्रेट लिखो, कैरेक्टर, या जो जीन इस कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, बाय पिकिंग अप द ट्रेट ऑफ हीट किल्ड वायरुलेंट फॉर्म, हीट के वायरुलेंट फॉर्म, हीट के वायरुलेंट फॉर्म. ठीक है. देखो एक्चुअली हुआ क्या, हम एक्सपेरिमेंट से समझा देते हैं. जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ है उन्होंने एक वैरायटी लिया, ठीक है, एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. ठीक है. और इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का दो स्ट्रेन है, मतलब दो वैरायटी है, एक एस स्ट्रेन और एक आर स्ट्रेन. एस स्ट्रेन का मतलब होता है स्मूथ स्ट्रेन और आर स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? रफ स्ट्रेन. स्मूथ स्ट्रेन क्या है? जैसे अगर ये बैक्टीरियल डॉटर सेल है, ठीक है, और ये बैक्टीरियल डॉटर सेल के ऊपर एक कॉमन क्या है? म्यूसिलेज का कवर है. किसका कवर है? म्यूसिलेज सीट, यानी म्यूसिलेज सीट का कवर है. ये जो म्यूसिलेज सीट है बैक्टीरिया के ऊपर, ये इसको स्मूथ तो बना ही रहा है, साथ ही साथ इसको क्या बना रहा है? वायरुलेंट. वायरुलेंट का मतलब क्या होता है? डिजीज कॉजिंग, डिजीज कॉजिंग. जबकि जो आर स्ट्रेन है इसमें भी बैक्टीरियल कॉलोनी बन रहा है, लेकिन म्यूसिलेज सीट यहां पे एब्सेंट है, तो ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? ए वायरुलेंट. और ए वायरुलेंट का मतलब क्या होता है? नॉन डिजीज कॉजिंग. ठीक है. यानी ये बीमारी कॉज नहीं करेगा. कौन सा बीमारी? न्यूमोनिया. ओके, क्लियर. अब देखो सेकेंड हाफ में क्या होगा. इन्होंने क्या किया? माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया. फर्स्ट स्टेज, माइस लिया, इसमें इंजेक्ट किया क्या? इंजेक्ट किया माइस में, इंजेक्ट किया एस्ट्रेन. एस्ट्रेन क्या है?
वायुलेंट, वायुलेंट का मतलब क्या होता है, डिजीज कॉजिंग, मतलब ये स्ट्रेन माइस में क्या कॉज करेगा, निमोनिया, एज अ रिजल्ट माइस बिकम डेड। दूसरा बार फिर एक चूहा लिया गया, माइस लिया गया, और माइस में फिर से इंजेक्ट क्या किया गया, इंजेक्ट आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन पहले से क्या है, ए वायरुलेंट, ए वायरुलेंट का मतलब क्या होता है, नॉन डिजीज कॉजिंग, यानी ये निमोनिया कॉज नहीं करेगा। जब निमोनिया कॉज ही नहीं करेगा तो माइस क्या होगा, इट रिमेन अलाइव। थर्ड, फिर उन्होंने एक माइस लिया, अब माइस में उन्होंने क्या किया कि इंजेक्ट करने से पहले ये जो ए स्ट्रेंथ है, जो क्या है, वायरुलेंट है, उसको हाई हीट में ट्रीट किया ताकि उसका जो डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही कमजोर हो गया। द डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी बिकम वेरी वीक, नाउ द ए स्ट्रेन इज अनेबल टू कॉज निमोनिया। तो इसमें क्या इंजेक्ट किया गया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, क्योंकि इसका डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी नेग्लिजिबल है तो माइस रिमेन अलाइव। ये माइस के अंदर ये जो हीट किल्ड ए स्ट्रेन है ये डिजीज कॉज नहीं कर पाया। तो फिर फोर्थ में उन्होंने क्या किया, फिर से माइस लिया, लेकिन यहां पे उन्होंने क्या किया, इंजेक्टेड, क्या इंजेक्ट किया, कॉम्बिनेशन ऑफ हीट किल्ड ए स्ट्रेन, हीट किल्ड ए स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, ये दोनों को उसने इंजेक्ट किया। और दोनों को जब उसने माइस में इंजेक्ट किया तो फाइनली माइस का क्या रिजल्ट हुआ, माइस बिकम डेड। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कैसे हुआ, तो यहां पे आर स्ट्रेन को उन्होंने माना लिविंग ऑर्गेनिज्म और हीट किल ए स्ट्रेन को माना डेड ऑर्गेनिज्म। और उन्होंने कहा कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी आर स्ट्रेन यानी रफ स्ट्रेन वैरायटी ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया अपने डेड रिलेटिव यानी हीट किल्ड ए स्ट्रेन के जीन को एक्सटर्नल मीडियम से पिकअप करता है और पिकअप करने के बाद अपने अंदर इंट्रोड्यूस करता है और फिर आर स्ट्रेन अपने न्यूक्लियोइड के साथ यानी अपने डीएनए के साथ उसको इंटीग्रेट यानी जोड़ता है, तो आर स्ट्रेन का जो कैरेक्टर है वो ए वायरुलेंट से किसमें कन्वर्ट होता है, वायरुलेंट में। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहां तक तो ठीक है, यहां तक समझ आया, क्या बोले रिया, इरशाद, जायद, समझ आया, निशा, आया समझ में, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है ना, कौन वाला, कहां से, माइस से, शुरू से बोल रही है, ठीक है। देखो देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रिंसिपल है जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा दिया गया था। उनका कहना था कि जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड रिलेटिव के जीन को पिकअप करता है एक्सटर्नल मीडियम से और अपने अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद उस डेड रिलेटिव के जीन को अपने न्यूक्लियॉइड के साथ जोड़ता है, तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर है वो डेड रिलेटिव के कैरेक्टर में ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्म या कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझ आया ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने दिखाया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इसको दिखाया न्यूमोकोकस बैक्टीरिया में, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। उन्होंने देखा कि जब नॉन वायरुलेंट लिविंग बैक्टीरिया, नॉन वायरुलेंट लिविंग बैक्टीरिया यहां पे कौन है, आर स्ट्रेन, ठीक है, वो वायरुलेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है यानी डिजीज कॉजिंग में कन्वर्ट हो जा रहा है, जब वो हीट किल्ड वायरुलेंट फॉर्म, हीट किल्ड वायरुलेंट फॉर्म कौन है, हीट किल्ड ए स्ट्रेन ही हीट किल्ड वायरुलेंट फॉर्म है, वो उसके जीन को अपने अंदर इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का दो वैरायटी लिया, एक ए स्ट्रेन और एक आर स्ट्रेन। ए स्ट्रेन क्या है, स्मूथ स्ट्रेन,
और आर स्ट्रेन क्या है? रफ स्ट्रेन. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई स्मूथ स्ट्रेन इज स्मूथ एंड व्हाई रफ स्ट्रेन इज रफ. स्मूथ स्मूथ क्यों है, रफ रफ क्यों है? तो स्मूथ स्ट्रेन में क्या हुआ कि जो बैक्टीरियल कॉलोनी है उसके ऊपर एक कॉमन म्यूसिलेज का शीट बनता है और ये म्यूसिलेज ही रिस्पॉन्सिबल है इस कैरेक्टर के लिए, वायरुलेंस के लिए स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया का. वायरुलेंस मीन्स डिजीज कॉजिंग. जबकि जो रफ स्ट्रेन है उसमें बैक्टीरियल कॉलोनी तो बना लेकिन उसमें म्यूसिलेज कवर एब्सेंट था, जिस कारण से रफ स्ट्रेन क्या बना? ए वायरुलेंट. ए वायरुलेंट का मतलब हो गया नॉन डिजीज कॉजिंग, ये बीमारी कॉज नहीं करता. इसको देखते हैं उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को किया माइस में. पहले माइस में इंजेक्ट किया ए स्ट्रेन, क्योंकि ए स्ट्रेन क्या है, वायरुलेंट है, तो ये निमोनिया कॉज किया और माइस बिकम डेड. दूसरा सेकेंड माइस लिया, उसमें इंजेक्ट किया गया आर स्ट्रेन. जब आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया गया, हम लोग ऑलरेडी देख रहे आर स्ट्रेन क्या है, ए वायरुलेंट है. तो ए वायरुलेंट है मतलब आर स्ट्रेन डिजीज कॉज नहीं कर सकता है, और जब वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता है तो माइस जिंदा रह गया. थर्ड में उन्होंने क्या किया कि माइस को दोबारा ए स्ट्रेन से इंजेक्ट करने से पहले उसको हीट किल्ड किया. हीट किल्ड का मतलब है उसको इतने एक्सेसिव हीट में ट्रीट किया कि उसका जो डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी है, यानी उसका जो वायरुलेंस नेचर है, वो इतना कमजोर पड़ गया कि अगर आप वो माइस में इंजेक्ट होगा भी तो माइस में निमोनिया कॉज नहीं कर पाएगा. तो जब हीट किल्ड ए स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस क्या हुआ, माइस अलाइव रह गया, अब वो मरा नहीं. यानी नॉर्मल ए स्ट्रेन और हीट किल्ड ए स्ट्रेन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हीट किल्ड ए स्ट्रेन निमोनिया कॉज नहीं कर सकेगा. तो फाइनली माइस उसने क्या किया कि माइस में अब हीट किल्ड ए स्ट्रेन और आर स्ट्रेन के कॉम्बिनेशन को इंजेक्ट किया. देखा क्या गया, कुछ देर के बाद माइस में निमोनिया डेवलप हुआ एंड द माइस बिकम डेड. यानी आर स्ट्रेन यहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपने डेड रिलेटिव यानी ए स्ट्रेन के जीन को पिकअप करता है एक्सटर्नल मीडियम से, अपने अंदर इंट्रोड्यूस किया और आर स्ट्रेन अपने न्यूक्लियोइड के साथ उस ए स्ट्रेन के जीन को जोड़ दिया. जैसे ही जोड़ा, आर स्ट्रेन का कैरेक्टर ए वायरुलेंट से क्या बन गया, वायरुलेंट बन गया. समझ आया, क्लियर? रिया, निशा, सब सबसे क्लियर हुआ? प्रिया, यस सर, यस सर, ठीक है. लेकिन देखो यहां पे एक डिमेरिट है, जायद समझ आ रहा है ना, यहां पे सबसे बड़ा डिमेरिट ये था एक ट्रेस का. ग्रिफिथ इज अनेबल टू एक्सप्लेन दैट विच बायोमोलिक्यूल ऑफ हीट किल्ड ए स्ट्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द कैरेक्टर ऑफ रफ स्ट्रेन फ्रॉम ए वायरुलेंट टू वायरुलेंट. मतलब हीट किल्ड स्ट्रेन का कार्बोहाइड्रेट है कि प्रोटीन है कि डीएनए है, इन तीनों में से कौन है? जो आर स्ट्रेन के जैसे ही कॉन्टेक्ट में आया, आर स्ट्रेन का नेचर चेंज हो गया. इसलिए इसका और एक पार्ट में एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया गया कि ये एक्चुअली डीएनए है जो कैरेक्टर को चेंज कर रहा है. और उस सेकेंड पार्ट को करने में तीन साइंटिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल है, एवरी, मैकलॉयड और मैकार्थी. तो इसको मिटा दें, यहां से कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो. ठीक है, अब देखो ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो 1944 में, ठीक है, एवरी, मैकलॉयड एंड मैकार्थी, एवरी, मैकलॉयड एंड मैकार्थी, इन्होंने क्या किया, एवरी, मैकलॉयड और मैकार्थी ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम दिया गया बायोकेमिकल
कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इन तीनों ने मिलकर इसको किया। इन्होंने क्या किया कि जो हीट किल्ड, हीट किल्ड स्ट्रेन है, इससे इसका जो बायोकेमिकल है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया उसको, बायोकेमिकल एक्सट्रैक्टेड इन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म में बायोकेमिकल को एक्सट्रैक्ट किया गया फ्रॉम हीट किल स्ट्रेन। वो तीनों बायोकेमिकल क्या है? कार्बोहाइड्रेट पहला, दूसरा प्रोटीन, और तीसरा डीएनए। सबसे पहले इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया और तीसरा टेस्ट ट्यूब लिया। हमको प्रूफ क्या करना है कि हीट किल स्ट्रेन का कौन सा बायोमॉलिक्यूल्स या बायोकेमिकल जब आर स्ट्रेन के कांटेक्ट में आया तो आर स्ट्रेन का नेचर ए वायरुलेंट से वायरुलेंट में कन्वर्ट हुआ। तो तीनों में कॉमन डाला गया आर स्ट्रेन, तीनों में कॉमन क्या डाला गया? आर स्ट्रेन। पहले वाले में इंट्रोड्यूस किया गया कार्बोहाइड्रेट ऑफ हीट किल्ड स्ट्रेन, दूसरे वाले में प्रोटीन ऑफ हीट किल्ड स्ट्रेन, और तीसरे वाले में डीएनए का एक भाग डाला गया इन आर स्ट्रेन। क्योंकि ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया विल मल्टीप्लाई इन एवरी 20 मिनट्स, तो सभी को एक जनरेशन मल्टीप्लाई करने दिया गया और फिर डॉटर सेल के नेचर को देखा गया। जब डॉटर सेल के नेचर को देखा गया आफ्टर 20 मिनट्स, दिस कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग आर स्ट्रेन रिमेन आर स्ट्रेन, यानी आर स्ट्रेन के कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं हुआ। आर स्ट्रेन पहले भी ए वायरुलेंट था, आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के संपर्क में आने के बाद भी आर स्ट्रेन ही रहा। दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट इज नॉट द बायोमॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ आर स्ट्रेन। सेम हुआ प्रोटीन के साथ भी, आर रिमेन आर स्ट्रेन, यानी प्रोटीन भी वो बायोमॉलिक्यूल्स नहीं है। बट डीएनए के कॉन्टैक्ट में जैसे ही आर स्ट्रेन आया, इट बिकम ए स्ट्रेन। या ए स्ट्रेन कहने का मतलब है आर स्ट्रेन शुरुआत में क्या था? ए वायरुलेंट। बट व्हेन इट केम इन कॉन्टैक्ट विद डीएनए ऑफ द हीट किल्ड ए स्ट्रेन, द आर स्ट्रेन बिकम वायरुलेंट। दैट मीन्स द डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ द हीट किल्ड ए स्ट्रेन व्हेन केम इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूक्लियॉइड दैट इज डीएनए ऑफ द आर स्ट्रेन, it changed the character of R strain from A virulent to virulent. यहां तक सभी को क्लियर है? Anyone have a doubt? बोलो। प्रिया, रिया, निशा सबसे पूछ रहे हैं, इशाद, जायद, निशा सबसे, रिया बोलो। हाँ सर। क्लियर है रिया? इसको सुनी थी तुम, तो आउट हो गई थी रिया। तुम लोग को ये समझ आया? रिया, किरण सबसे पूछ रहे हैं, ठीक है, इरशाद को समझ आया, जायद तुमको समझ आ गया, रिया देखो, हीट किल स्ट्रेन से, हीट किल स्ट्रेन के सभी बायोकेमिकल को एक्सट्रैक्ट किया गया प्योर फॉर्म में। तीन तरह का बायोकेमिकल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और डीएनए।
तीन टेस्ट ट्यूब दिया गया, पहले तीनों में कॉमन क्या डाला गया, आर स्ट्रेन, क्योंकि हमको ये प्रूफ करना है कि आर स्ट्रेन हीट किल्ड ए स्ट्रेन के किस बायोकेमिकल के कॉन्टैक्ट में आया कि उसका कैरेक्टर ए वायरुलेंट से वायरुलेंट में कन्वर्ट हुआ। आर स्ट्रेन में जब हम कार्बोहाइड्रेट डालें, दूसरे आर स्ट्रेन में हम प्रोटीन डालें और तीसरे आर स्ट्रेन कंटेनिंग टेस्ट ट्यूब में डीएनए डालें, क्योंकि ये बैक्टीरिया है तो एवरी 20 मिनट्स में ये मल्टीप्लाई करता है, तो आफ्टर एवरी 20 मिनट्स तीनों को एक साथ देखें, फर्स्ट में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट में आर स्ट्रेन रिमेन आर स्ट्रेन, मतलब आर स्ट्रेन के नेचर में कोई भी चेंज नहीं आया इवन आफ्टर कॉन्टैक्ट विद कार्बोहाइड्रेट, यानी हिट किल्ड ए स्ट्रेन का कार्बोहाइड्रेट वो नहीं है जो आर स्ट्रेन के नेचर को चेंज किया। प्रोटीन में भी सेम हुआ, आर स्ट्रेन रिमेन आर स्ट्रेन, तो प्रोटीन भी वो नहीं है, बट जैसे ही डीएनए के कॉन्टैक्ट में आर स्ट्रेन आया, आर स्ट्रेन का नेचर किसमें कन्वर्ट हुआ, ए स्ट्रेन। यानी जब हिट किल्ड ए स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को ग्रिफिथ ने एक साथ मिक्स करके माइस में इंजेक्ट किया तो हीट किल्ड ए स्ट्रेन का डीएनए आर स्ट्रेन के डीएनए के कॉन्टैक्ट में आया और आर स्ट्रेन के नेचर को ए वायरुलेंट यानी नॉन डिजीज कॉजिंग से वायरुलेंट यानी डिजीज कॉजिंग में कन्वर्ट किया। सो इट इज द डीएनए ऑफ द हीट किल्ड ए स्ट्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द नेचर ऑफ आर स्ट्रेन फ्रॉम ए वायरुलेंस टू वायरुलेंस। अब समझ आया? बोलो जल्दी, आ गया समझ में? ठीक है। अब कुछ साइंटिस्ट जो क्रिटिक्स था उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आर स्ट्रेन के अंदर एक इनहेरिट कैपेसिटी है, वो जब चाहे तब वायरुलेंट होगा, जब चाहे तब ए वायरुलेंट होगा। इन्होंने कहा ओके लेट्स डू अनदर थर्ड फोर्थ एक्सपर्ट पार्ट। उन्होंने डीएनए का और एक पार्ट लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया फिर से, इसमें क्या गया, बाकी तीन की तरह कॉमन इसमें आर स्ट्रेन डाला गया, डीएनए डाला गया, लेकिन आर और डीएनए स्ट्रेन के बीच यहां पे एक एंजाइम डाला गया डीएनएस। डीएनएस क्या है? डीएनएस का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस, और ये जो तुम्हारा एंजाइम है ये डीएनए को कंज्यूम करता है। तो आर स्ट्रेन डीएनए के कांटेक्ट में आ पाता उसके पहले डीएनए टोटल डीएनए को कंज्यूम कर लिया, कंज्यूम मतलब खत्म कर दिया, तो आर स्ट्रेन अब डीएनए के कांटेक्ट में आ नहीं पाया। और तब जब 20 मिनट के बाद आर स्ट्रेन को नया मल्टीप्लाई करने दिया गया तो आफ्टर 20 मिनट्स और आर स्ट्रेन रिमेन आर स्ट्रेन। तो अगर आर स्ट्रेन के पास खुद का यह कैपेसिटी होता कि वो जब चाहे तब ए वायरुलेंस से वायरुलेंस में कन्वर्ट हो सकता था तो यहां पे तो आर स्ट्रेन डीएनए के कांटेक्ट में नहीं आ पाया, क्योंकि डीएनए आर स्ट्रेन के कांटेक्ट में आ पाता उसके पहले उसको 100% कंज्यूम कौन कर लिया, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, जिससे क्या हुआ आर स्ट्रेन रिमेन आर स्ट्रेन, दैट मींस आर स्ट्रेन के पास ऐसा कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद अपने कैरेक्टर को चेंज करे, और वो जिसके कॉन्टैक्ट में आने के बाद चेंज हो रहा है वो कौन है, डीएनए, विच प्रूव दैट इट इज द डीएनए विच ट्रांसफर द कैरेक्टर ऑफ वायरुलेंस दैट इज डिजीज कॉजिंग फ्रॉम हीट किल्ड ए स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन। समझ आया? क्लियर जायद, इरशाद, रिया? हाँ सर, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हैं सर, पूरे फिर से ज्वाइन होना पड़ेगा? हाँ हाँ, दो मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा एक लाइन और लिख देते हैं। अब देखो ये जो एक डेड रिलेटिव के जीन को बाहर से पिकअप कर रहा है और अपने कैरेक्टर को चेंज कर रहा है, इस कैरेक्टर को क्या कहा जाता है, कॉम्पिटेंस। ये एक वन मार्क्स क्वेश्चन आता है, तो लिखेंगे एबिलिटी टू पिकअप जीन फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस। इस कैरेक्टर को क्या कहा जाता है, कॉम्पिटेंस। और ये कॉम्पिटेंस कैरेक्टर कब डेवलप होता है, एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड, डेवलप्स
टुवर्ड्स द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड। बैक्टीरियल का ग्रोथ पीरियड का जब एंड होता है तब उसमें ये कॉम्पिटेंस कैरेक्टर डेवलप होता है। बेसिकली जो डीएनए सेगमेंट है वो बैक्टीरियल सेल के आउटसाइड यानी सेल वॉल के बाहर स्पेसिफिक रिसेप्टर में जुड़ा हुआ रहता है और कॉम्पिटेंट बैक्टीरियम जिसमें कॉम्पिटेंस है वो इस डीएनए को फिर अपने अंदर इंट्रोड्यूस कर लेता है या बोल सकते हो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब फिर से एक बार रीइंटर हो जाओ सब। ठीक है, कोई भागना मत, हम देख लेते हैं। रुको, किरण, इरशाद, प्रिया, रिया, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो ये तुम लोगों को समझ आ गया ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। अब हम लोग थर्ड स्टेप में जाएंगे, थर्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थर्ड प्रोसेस में जाएंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो रिया, इरशाद, किरण, प्रिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, चलो मिटाते हैं इसको। अब हम लोग आते हैं ट्रांसडक्शन। देखो अब नेक्स्ट है ट्रांसडक्शन, थर्ड ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन। ठीक है, देखो ट्रांसडक्शन में क्या होगा, इट इज द थर्ड। ठीक है, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग ओवर, इट इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग ओवर द जीन्स, कैरिंग ओवर द जीन्स फ्रॉम one bacterium, from one bacterium to another, it is the process of carrying over the gene from one bacterium to another through the
एजेंसी ऑफ वायरसेस, क्या बोले हम कि इट इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग ओवर द जीन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू द एजेंसी ऑफ वायरसेस। वायरस के द्वारा जब एक बैक्टीरियम सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में जीन का ट्रांसफर हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। तो व्हाट इज ट्रांसडक्शन, आप लोगों को समझ आया? बोलो, व्हाट इज ट्रांसडक्शन, समझ आया? ट्रांसडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में जीन का ट्रांसफर होता है, किसके थ्रू? एजेंसी ऑफ वायरस के थ्रू। ठीक है, नॉर्मली जो वायरस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है उसे कहा जाता है बैक्टीरियोफेज। क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोफेज। समझ आया? प्रिया, रिया बोलो, किरण सर आप ट्रांसडक्शन बता रहे हैं? हाँ, क्यों? उसके आगे वाला जो हम लोग को बताए थे। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ट्रांसडक्शन बता रहे हैं, कल पढ़ाएंगे भी डीवाडी में। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग ओवर द जीन फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर, किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। नाउ दोज वायरस विच हैज द कैपेसिटी टू इन्फेक्ट अ बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज किसे कहा जाता है, बोलो? वैसे वायरस को कहा जाता है जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है। अब ये जो ट्रांसडक्शन है, इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था जिंडर और लीडरबर्ग ने 1952 में। किसमें? सेल्मोनेला टाइफी म्यूरियम, जो कि एक टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, ट्रांसडक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय, ट्रांसडक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय जिंडर एंड लीडरबर्ग, जिंडर एंड लीडरबर्ग 1952, ट्रांसडक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय जिंडर एंड लीडरबर्ग 1952 इन केस ऑफ सेल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। ओके, इन केस ऑफ सेल्मोनेला टाइफी म्यूरियम विच इज अ बैक्टीरिया। ठीक है, उसमें क्या देखा? इन ट्रांसडक्शन एक वायरस जीन को पिकअप कर रहा है, अ वायरस पिकअप अ जीन, पिकअप अ, पिकअप वन और मोर जीन लिख दो, वन और मोर जीन या वन और मोर बैक्टीरियल जीन। ठीक है, ट्रांसडक्शन में बेसिकली जो वायरस है वो पिकअप करता है एक या एक से ज्यादा बैक्टीरियल जीन को इंस्टेड ऑफ इट्स ओन जीन, इंस्टेड ऑफ इट्स ओन जीन, एंड वो इसको इंट्रोड्यूस करता है न्यू बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, एंड व्हेन इट अटैक्स, एंड व्हेन इट अटैक्स अ न्यू होस्ट, न्यू होस्ट का मतलब न्यू बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ये क्या करता है? द जीन्स आर पास्ड, या जीन्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द न्यू होस्ट, इनटू इट। ठीक है, अब यहां पे एक सवाल है कि जो वायरस
बैक्टीरिया में जीन को इंट्रोड्यूस कर रहा है या एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में जीन को ट्रांसफर कर रहा है, तो वो बैक्टीरिया को डैमेज क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज दीज आर दोज वायरस विच नॉर्मली इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल। द आंसर इज, जो वायरस इस ट्रांसडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, दे आर नॉट कैरिंग देयर ओन कंप्लीट जीन कॉम्प्लीमेंट। वो अपने कंप्लीट जीन कॉम्प्लीमेंट को कैरी ही नहीं कर रहा है, इसलिए उसके अंदर जो डिस्ट्रॉइंग नेचर है बैक्टीरिया का वो कंप्लीटली एब्सेंट है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? द ट्रांस ड्यूसिंग बैक्टीरिया, द ट्रांसड्यूसिंग बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया नहीं सॉरी वायरस, इज सेल्डम हार्मफुल, शायद ही हार्मफुल होता है। क्यों अभी बताए ना, बिकॉज इट डज नॉट कैरी इट्स फुल जीन कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यह कैरी नहीं करता है फुल जीन कॉम्प्लीमेंट को। ट्रांसड्यूसिंग वायरस जो है, जो वायरस ट्रांसडक्शन कर रहा है, इट इज सेल्डम हार्मफुल, यह शायद ही हार्मफुल होता है। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट कैरी व्हाट, फुल जीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स ओन। यहां तक समझ आया? कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। रिया, किरण, प्रिया, निशा, इशार, जाहिर, जिसको पूछ। देखो, ट्रांसडक्शन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, तो ट्रांसडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक वायरस के द्वारा जीन को कैरी किया जा रहा है फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर। व्हाट इज ट्रांसडक्शन? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल बाय द एजेंसी ऑफ वायरसेस। समझ आया व्हाट इज ट्रांसडक्शन? क्लियर है सभी को? इरशा, रिया, किरण, प्रीति, ठीक है। अब इसको डिस्कवर कहां पे किया गया? तो जिंडर और लीडरबर्ग ने 1952 में इसको सेल्मोनेला टाइफ्यूरियम, टाइफीम्यूरियम में डिस्कवर किया, जो कि एक बैक्टीरिया है और बेसिकली ये टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया है। बाद में उन्होंने देखा कि ट्रांसडक्शन में एक वायरस जो है वो पिकअप करता है, उठाता है वन या उससे ज्यादा बैक्टीरियल जीन को अपने जीन के जगह, इंस्टेड ऑफ इट्स ओन जीन, और जब ये दूसरे किसी बैक्टीरिया को अटैक करता है तो उसके बॉडी में इस जीन को पास कर देता है या उसके बॉडी में इस जीन को इंट्रोड्यूस कर देता है। अब सवाल है, बैक्टीरिया के से जीन लेके दूसरे बैक्टीरिया के बॉडी में जीन को इंट्रोड्यूस करवाना, एंड दैट इज ऑल्सो परफॉर्म बाय वायरस, देन वाई वायरस इज नॉट अफेक्टिंग द बैक्टीरियल सेल? वायरस बैक्टीरियल सेल को डैमेज नहीं करेगा। उसका कारण है कि वायरस जो ट्रांसडक्शन में इन्वॉल्व है वो सेल्डम हार्मफुल, वो शायद ही हार्मफुल होता है, क्योंकि वो कभी भी फुल जीन कॉम्प्लीमेंट को, अपना वायरस अपना जो कंप्लीट जीन है उसको कैरी नहीं करता है, जिस कारण से वायरस का जो वायरुलेंस नेचर है, जो डिजीज कॉजिंग नेचर है, जो डिस्ट्रक्टिव नेचर है, वो वायरस में पाया नहीं जाता है। अब क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब ये ट्रांसडक्शन दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसडक्शन। कौन कौन सा? पहला जनरलाइज्ड। अब सवाल है, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या होता है? ठीक है, व्हेन एनी जीन इज ट्रांसफर्ड by viruses from one bacterium to another,
जब एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में वायरस कोई भी जीन को ट्रांसफर कर दे, दैट इज कॉल्ड जेनरलाइज ट्रांसडक्शन। और दूसरा क्या है? स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। फिर पूछा जाएगा स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या है, तो इसमें कहा जाएगा व्हेन द सेम पर्टिकुलर जीन इज ट्रांसफर्ड अगेन एंड अगेन, एक ही तरह का एक पर्टिकुलर जीन को ही बार बार वायरस ट्रांसफर कर रहा है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे में, तो वो हो गया स्पेशलाइज्ड। व्हेन सेम पर्टिकुलर जीन इज पास्ट, ठीक है, सेम पर्टिकुलर जीन इज पास्ट, तो वो हो जाएगा स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। और जितना बार तुम वायरस को अप्लाई कर रहे हो वो एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे में उसी जीन को पिकअप करके दूसरे में इंट्रोड्यूस कर रहा है, कोई दूसरे जीन को पिकअप कर ही नहीं रहा है, वो हो गया स्पेशलाइज्ड। और जब वायरस किसी भी जीन को एक बैक्टीरियल से पिकअप करके दूसरे में इंट्रोड्यूस करेगा, दैट इज कॉल्ड जेनरलाइज्ड। ठीक है, कंप्लीट, समझ आया यहां तक? ट्रांसडक्शन क्लियर? बोलो, क्या बोल रही है? स्पेशलाइज्ड। देखो, अगर जैसे मान लो ये दो पेन दो जीन है और मेरा हाथ है वायरस, अगर ये हाथ यानी वायरस एक बार इस जीन को उठाया एक बार ब्लैक पेन को उठाया, तो हर बार अलग अलग जीन को उठा रहा है, तो ये हो गया जनरल। लेकिन जितने बार इस वायरस को हम अप्लाई कर रहे हैं एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में जीन को ट्रांसफर करने के लिए, तो हर बार वो इस ब्लैक वायरस को ही उठा रहा है, ब्लैक बैक्टीरियल जीन को ही उठा रहा है। तो जब एक वायरस एक स्पेसिफिक जीन को अगेन एंड अगेन पिकअप करे टू ट्रांसफर इन टू द अदर, दिस टाइप ऑफ ट्रांसडक्शन इज कॉल्ड स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन। समझ आया? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ट्रांसडक्शन कंप्लीट। अब हम लोग एक पढ़ेंगे सिर्फ इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स की तरह आता है एग्जाम में। यहां तक समझ आया? इशान, प्रिया, किरण, सभी को बोलो, एक ही जन बोल रही है। आकृति, रिया, हैगी चली गई, इरशाद है कि भाग गया? चला गया सर। अब देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। यूजफुल एक्टिविटीज, यूजफुल एक्टिविटीज क्या है ये समझ। पहला जो है बैक्टीरिया, इट एक्ट्स एज नेचुरल स्कैवेंजर, नेचुरल स्कैवेंजर। ये क्या करता है? जो कॉम्प्लेक्स डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू सिंपल सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक मैटर, यानी वो जो न्यूट्रिएंट्स है उसके रिसाइकलिंग में मदद करता है। कौन? बैक्टीरिया। एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नेचुरल स्कैवेंजर। सो बैक्टीरिया एक्ट्स एज अ डिकम्पोजर एंड हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। सो फर्स्ट कैरेक्टर इज इट एक्ट्स एज अ नेचुरल स्कैवेंजर। सेकेंड, इट डिग्रेड मतलब तोड़ना या कमजोर करना, इट डिग्रेड इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। व्हाट आर पॉल्यूटेंट्स? दो सब्सटेंसेस व्हिच कॉज पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स।
तो जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है वैसे पॉल्यूटेड को डिग्रेड कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, कौन? बैक्टीरिया, बाय इन द प्रोसेस ऑफ, उस प्रोसेस को कहा जाता है इन द प्रोसेस ऑफ बायो रेमेडिएशन, इन द प्रोसेस ऑफ बायो रेमेडिएशन, बायो। अच्छा देख रहा, ठीक है, तो बोला गया देखो बेसिकली हम समझ रहे हैं, लेकिन यहां तो क्लियर है जी। देखो अब देखो इंप्रूव हुआ आवाज मेरा, इंप्रूव हुआ बोलो। देखो अच्छा देखो हम कोशिश कर रहे हैं। देखो बेसिकली सेकेंड फंक्शन क्या है बैक्टीरिया का, इट डिस्ट्रॉय और डिग्रेड इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट इन द प्रोसेस ऑफ बायो रेमेडिएशन। नाउ व्हाट इज बायो रेमेडिएशन? दैट इज रिमूविंग हैजर्डियस या हार्मफुल, रिमूविंग हैजर्डियस सब्सटेंसेस फ्रॉम एन एरिया, रिमूविंग हैजर्डियस सब्सटेंसेस फ्रॉम एन एरिया, ये हो गया दूसरा यूजफुल एक्टिविटी। तीसरा यूजफुल एक्टिविटी क्या है? दिस बैक्टीरिया, ठीक है, व्हेन प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स मीन्स कैटल, दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। हम लोग कागज खा के डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे क्योंकि कागज में सेलुलोज है, लेकिन एक गाय भैंस उसको खा के पचा लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि उसके रूमिनेंट्स में सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया है, ठीक है, ये दूसरा यूजफुलनेस है फॉर कैटल। तो लिखेंगे दीज डाइजेस्ट सेलुलोज। मेरा नेट तो 100% है जी, रुको सर, मेरा नेट का प्रॉब्लम है आज थोड़ा सा, एक्चुअली गांव है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। अच्छा देखो हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा प्रॉब्लम कुछ घटा है, ठीक है। देखो दिस डाइजेस्ट, रुको एक, अब ठीक हुआ? अच्छा सुनो ना, फिर हम वीडियो भेज देंगे, हम कोशिश करें, रुको रुको एक मिनट, एक मिनट मौका दो एक बार। देखो अब हुआ कुछ क्लियर? देखो ठीक है, सुनो, ये सुनने का चीज, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंटल है नहीं। बैक्टीरिया जो है थर्ड पॉप, इसका यूजफुलनेस है दीज डाइजेस्ट सेलुलोज इन स्टमक, इन स्टमक चेंबर ऑफ कैटल। कैटल सेलुलोज को इसलिए पचा पाता है, इसलिए डाइजेस्ट कर पाते हैं, बिकॉज दे कंटेन सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। नाउ दिस बैक्टीरिया ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग सर्टेन एलिमेंट्स टू यूजफुल टू अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, ये रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है, एंड दैट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग नाइट्रोजन, दैट इज डाई नाइट्रोजन जो एटमोस्फेयर में रहता है उसको एमोनिया में कन्वर्ट करता है, एंड दैट एमोनिया इज अ गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू प्लांट्स। तो फोर्थ लिखेंगे, क्या फोर्थ लिखेंगे? दे मेक, दे मीन्स बैक्टीरिया, मेक एसेंशियल, दे मेक एसेंशियल एलिमेंट्स अवेलेबल टू, दे मेक एसेंशियल एलिमेंट्स अवेलेबल टू अदर ऑर्गेनिज्म।
अदर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारा है, क्लॉस्ट्रीडियम है, फिर तुम्हारा आगे जाके है ना एजोटोबैक्टर है। एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा, नाइट्रोजन इज अवेलेबल बाय फिक्सिंग, नाइट्रोजन इज अवेलेबल बाय फिक्सिंग एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज अवेलेबल टू द प्लांट बाय फिक्सिंग एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन बाय, पहला है क्लॉस्ट्रीडियम पेस्टिरियम, क्लॉस्ट्रीडियम ये जेनस हो गया, पेस्टिरियम पी एस टी ई आर यू आर आई यू एम पेस्टिरियम, एंड एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर ये दोनों क्या करता है, ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि डाई नाइट्रोजन है इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और इसको प्लांट के लिए अवेलेबल करता है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस बैक्टीरिया हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग विटामिन के इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। ओके, ये प्रोड्यूस करता है विटामिन ए, दे यानी बैक्टीरिया प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, विटामिन के, दे प्रोड्यूस विटामिन के इन द लार्ज इंटेस्टाइन, दे प्रोड्यूस विटामिन के इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यूजफुल एक्टिविटी है, दे प्रोड्यूस यूजफुल प्रोटीन सच एज इंसुलिन और वैक्सीन वाया जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बैक्टीरिया के मदद से ठीक है थर्ड जनरेशन वैक्सीन बन रहा है। दे प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूसेस लिखो, दे प्रोड्यूसेस यूजफुल प्रोटीन और वैक्सीन वाया किसके थ्रू, जेनेटिक इंजीनियरिंग, वाया जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही ये किसका ब्रांच है, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया, पहले तो विटामिन के प्रोड्यूस होता है लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में किसके मदद से, बैक्टीरिया के हेल्प से। नेक्स्ट, बैक्टीरिया ऑल्सो प्रोड्यूसेस यूजफुल प्रोटीन और वैक्सीन बाय विच टेक्निक, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। एंड फाइनली दे आर वेरी इनएक्सपेंसिव, बहुत ही सस्ता मॉडल है टू स्टडी सिस्टम ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म के सिस्टम को स्टडी करने के लिए ये एक बहुत ही इनएक्सपेंसिव कम खर्चीले वाला सिस्टम है। ये हो गया यूजफुल एक्टिविटीज, समझ आया। बोलो, यस सर। ठीक है, अब देखो नेगेटिव इफेक्ट एक ही तो है, सबसे पहला तो है फूड पॉइजनिंग। ठीक है, अभी गर्मी या बरसात के दिन में ये बहुत कॉमन हो गया है, अब है हार्मफुल इफेक्ट्स या हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया, हार्मफुल एक्टिविटीज। सबसे पहला हार्मफुल एक्टिविटीज क्या है, फूड पॉइजनिंग। ओके, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय इंजेस्टेड फूड, जो खाना हम खाते हैं उसी से फूड पॉइजनिंग होता है, ए बाय इंजेस्टेड फूड कंटामिनेटेड विथ
कंटामिनेटेड, जो किससे दूषित होता है, कंटामिनेटेड विथ परफॉर्म्ड टॉक्सिन, परफॉर्म्ड टॉक्सिन। ठीक है, अब ये टॉक्सिन प्रोड्यूस कौन करता है? ठीक है, बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूसेस टॉक्सिन, बैक्टीरिया जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, दे प्रोड्यूसेस टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग आर, फूड पॉइजनिंग आर। बैक्टीरिया जो टॉक्सिन यानी जहरीला पदार्थ प्रोड्यूस कर रहा है और रिस्पॉन्सिबल है फूड पॉइजनिंग के लिए, वो क्या है? सबसे पहला है कैंपाइलो बैक्टीरियम या कैंपाइलो बैक्टर, ये हो गया फर्स्ट। दूसरा क्या है? स्टेफाइलोकोकस, इसका स्पीसीज कब ले लो, जेजोनी। दूसरा क्या है? स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, ऑरोरी या ऑरस, ये दूसरा है जो क्या कॉज करता है, फूड पॉइजनिंग। तीसरा क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस तीसरा है। और चौथा जो है, जो सबसे कॉमन हम लोग सुनते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटिलिकम, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिकम या बॉटुलिनम, ठीक है। ये चार कॉमन बैक्टीरिया है जो क्या प्रोड्यूस करता है, फूड पार्टिकल्स में टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और जब ये टॉक्सिन वाला फूड हमारे बॉडी के अंदर जाता है, इट कॉजेस फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट, इट डिस्ट्रॉय डोमेस्टिक आर्टिकल्स, इट डिस्ट्रॉय डोमेस्टिक आर्टिकल्स, बहुत सारा घर में ऐसा आर्टिकल्स है जो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर देता है इफ दे प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट। ओके, यहां तक समझ आया? प्रिया, रिया, किरण, यस सर। ठीक है, तो ये हो गया हार्मफुल। हार्मफुल में मेन सबसे खतरनाक है फूड पॉइजनिंग, और ये बरसात के दिन में, बेसिकली समर सीजन में तो बहुत कॉमन है फूड पॉइजनिंग। बोलो, कुछ पूछना चाह रही है आकृति? अच्छा ठीक है, चलो कल तो पढ़ाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सर। ठीक है, कल तो हम फिर पढ़ाएंगे ही तुम लोगों।